जय श्री हरि, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल आइडिलिक संध्या। इसे लाइव सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओम श्री मन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्। देवी सरस्वती व्याप्तम ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथमांश दूसरा अध्याय 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्तिक्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। श्री प्राशर जी बोले, हो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन विकारहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार हैं, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में है, अव्यक्त कारण एवं व्यक्त कार्य रूप है तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्वरूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमार्थत वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं, तथा जो काल स्वरूप से जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। जो पर से भी परे परमश्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन छह विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एकरस और हेय गुणों के अभाव के कारण निर्मल परब्रह्म है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त प्रकृति और व्यक्त महदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालव्रत क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को, जो सत्सद रूप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षयरहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा प्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्शी दिशून्य और रूपादि रहित है। वह त्रिगुणमय और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। ये संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक इसी से व्याप्त था। हे विद्वन, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुतिप्रायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस श्लोक को कहा करते हैं। नाहो न रात्रि नभो न भूमिर्नासी तमो ज्योतिर्भूद्य नान्यत् श्रोत्रादिबुद्धय अनुपलभ्यमेकं प्राधानिकं ब्रह्म पुमांस दासीत्। उस समय प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का विषय एक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए, उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं सकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्यावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर सर्वकाल उपस्थित होने पर उन परब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से क्षोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सन्निधि मात्र से ही मन को क्षोभित कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सन्निधि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच सामे और विकास क्षोभ युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीवरूप तथा महतत्व रूप से स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्वकाल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार का है।
किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही ये त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भूतादि तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्रा में तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध नाना जाता है। उन आकाशादी भूतों ने तन्मात्रा है, इसलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूल नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक सात्विक हैं। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, उपर्थ, लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मूल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि पांच गुणों से युक्त है। ये पांचों भूत शांत, घोर और मूढ़ है अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके, इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशिष्ट पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व अनुग्रह से उनकी उत्पत्ति की। हे महाबुधे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अन्न ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु और गर्भ को ढंकने वाली झिल्ली अन्य पर्वत, जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय स्त्रस्त था। हे विप्र, उस अन्न में ही पर्वत और द्विपादि के सहित समुद्र, ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणीवर प्रकट हुए। वह अन्न पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महतत्व घिरा हुआ है, और इन सबके सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंडन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं, तथा रचना हो जाने पर सत्वगुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेषशय्या पर शयन करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीन संज्ञाओं को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु सृष्टा ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंत लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। वे सर्वस्वरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य प्रार्थना के योग्य भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहर्त होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेश द्वितीय अध्याय। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए अगली वीडियो अवश्य देखें। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री हरि। ॐ भगवते वासुदेवाय नमः।